जैसे जी 35 साल से ये लड़ाई आप लड़ रही थी अतीक अहमद के खिलाफ, आज जब उसकी हत्या इस तरह से हुई है, क्या कहना चाहेंगे आज तक पर? आपको लाइव पूरा देश इस वक्त सुन रहा है। हाँ, सुन तो रहा है। अब ना उनके मैं मरे में मेरे गम है और ना जो है तोहने जिंदे पर वाह खुशी है मेरे, न मरे के खुशी है ना मुझको जो है तोहनी खुशी है, उसके कोई गम नहीं है। क्या क्या किया था अतीक अहमद ने आपके साथ, जरा बताइएगा। मेरे साथ जो है तो बहुत कुछ ने किया। 12.5 बीघा जमीन मेरी ले लिया और फर्जी लिखवा उखवा करके नहीं जो है तो उन्हें प्लाटिंग कर दिए, कुछ जमीन खाली पड़ी हुई है, उसको न्याय मिलना चाहिए। गोली भी मारी थी है सब। 2016 में गोली मुझको मारी, कई बार जो है तोहनी हमला हुआ मेरे ऊपर, मेरे भाई कोहनी जो है तोहनी करंट लगा के मारा गया, वही रहे भाई मेरे जो है तोहनी अमरूद की बगिया उगिया रही है, सब कमात खात रहे हैं, किसान की मैं घर की लड़की हूँ है तो। मेरे बेटा की गोली लगी, मेरे गोली लगी, बच्ची की लगी कि मैं बैठी रही हूँ। 2016 में 2 गोली मेरी लग गई है और छील के निकल गई है गोली। कहाँ पे, कहाँ पे? और अस्पताल में मुझको धमकी लगी, पीछे लगी है जो है तो होनी गर्दन के पास गोली लगी है। और भाई को आपके बिजली जो है बिजली तो मेरे बेटा कहनी बिजली लगा के मारा, करंट से मारा? हाँ, क्या किया था? हाँ, खंभा फैलाए थे, खंभा गड़वा करके ही नहीं उके थे और तार फैली रही, उसी में ही मेरा भाई का मारे। और जब मेरे साथ गया भाई विधायक हुए तो उसमें जो है तो करंट लगा करके ही मेरे भाई को मारा। बाहर हाल मैं अपने माँ पिता के ही दुख के कारण नहीं बताई है, इन्हें मेरे माँ पिता कहानी दुख होगा, हानि गरीब घर के परिवार की हूँ। जब मेरा भाई खत्म हो गया तब भी FIR किए, लालजी शुक्ला तब रहे थे जो है तो गारत पड़ी रही है। उसका कैसा डर रहता था? जयश्री जी, जयश्री जी, आप कह रही हैं कि आप मतलब कमियों में जी हैं, लेकिन आप में जो हौसला है ना उसको सब सलाम कर रहे हैं, उस हौसले की अमीर हैं आप, क्योंकि जिस शख्स के सामने पूरा सिस्टम ने घुटने टेक दिए उसके खिलाफ आपने आवाज उठाई, आप FIR, आप केस लड़ती रही, कैसे लोग डर में इसके रहते थे? कोई कार्रवाई करने को तैयार होता था? उसके साम्राष्ट्र रहा, पानदार विधायक रहे, एक बार जो है संसद रहे हैं, उनका सिक्का चलता था, उनकी राज चलती थी, तो डर तो था, जहां जाओ तो उन्हें भगा देते थे बहुत से, कभी कभी वो होने लगा था मेरे साथ जो है तो उन्हें मदद मिलती थी, गारत पड़ी रही जो है तो 2000 महाने पुलिस वाले अतीक के खिलाफ, जयश्री जी, पुलिस वाले अतीक के खिलाफ कार्रवाई करने को तैयार होते थे? नहीं होते थे, कभी कभी नहीं तैयार होते, कहे आपस कर लो नहीं तो तुम मारे जाओगे, तुम्हारे बच्चे मारे जाएंगे। बहरहाल मैं चुरा चुरा करके ही नहीं मैं एप्लीकेशन देती थी, चुरा चुरा के मैं एप्लीकेशन देती रही है, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राजद विभाग सगल में पहुंचाती थी, हर अधिकारी के यहाँ मैं दरवाजा खटखटाती। मेरी उम्र बीत गई जो है तो होने में धीरे धीरे 35 साल हो गया मुझको और मेरे पास कुछ नहीं बचा। मैं 3 बच्चे, 3 लड़की, 3 लड़का, माँ कहनी जो है तोहनी निभाए अपने बच्चन के साथ है, पिता के है, मेरे पति कोहनी वही लोग जो है तोहनी मार डाले यही जमीन एक खातिर फर्जी बनवा करके। दिखाइए अनुराग भदौरिया जी को जरा, जयश्री जी के साथ अनुराग भदौरिया जी, ये जो गोलियां इनके शरीर में लगी हैं, देखिए इनके बेटे के शरीर में लगी हैं, ये जो बिजली से करंट से, सोचिए कैसी मौत हुई होगी, आप सोचिए इनके भाई की, वो कुछ कहीं पर कुरेती हैं आपको या जी
सुन रही है आपको, बोलिए ना कुछ। मुझे अभी तक एक बात और सुन लीजिए ना, मुझे अभी तक एक बात समझ में नहीं आई कि हम बात करते करते बहकने कैसे लगते हैं। अच्छा, सरकार बीजेपी की यहाँ पे दो बार कल्याण सिंह जी चीफ, अभी हमारी बहन कह रही थी 35 साल से, उसके पहले कल्याण सिंह जी की सरकार दो बार रही है, राजनाथ सिंह जी की सरकार रही है, बहन जी की सरकार रही है जिसके साथ बीजेपी रही है सरकार में, तो बताइए क्यों नहीं न्याय हुआ। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कि भाई आपको न्याय करना चाहिए, और 2017 के बाद से अभी तक 6 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो गई। अगर आप 7-8 साल का गैप हटा दीजिए तो लगातार तो सरकार इन्हीं की है, फिर ये जिम्मेदारी लेने से तैयार क्यों नहीं होते। फिर इनसे जब माफिया की बात की जाती है तो एक दो माफिया लेके नाम लेते हैं, उसके बाद इनका गला रौंदने लगता है। भाई माफिया समाज के अंदर से खत्म होना चाहिए। सब विषयों पर बात करेंगे अनुराग जी, किसी तरह का माफिया हो, मिनट अपना बनारस से लेके, एक सेकंड, अपने 24 घंटे का आप पूरी बात नहीं बोले देंगे तो मैसेज अनुराग अपनी बात 2 मिनट, अपने 24 घंटे का 2 मिनट आप जयश्री जी के नाम कर दीजिए, 2 मिनट ज्यादा नहीं मांग रही हूँ, नाम पे बोल रहा हूँ, उन्हीं की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो वो भी अभी आपको सुन रही हूँ, मैं कह रहा हूँ वो भी सुन रही है, बोलने ही नहीं देंगे। समस्या तो इस बात का, अगर आप कुछ मन में सोच के बैठी हैं कि मुझे यही बोलना है तो ठीक, वही बोल देता हूँ, बोल दीजिए क्या बोल बताइए जी। अनुराग जी जो आप सुनना चाहते हैं वो बोल देता हूँ, सामने कमाल है भाई, वो बैठी है, दो शब्द उनको बोल दीजिए। सलमनी बोल रहे थे तब तो आपने नहीं टोका, जैसे हम बोलने लगे तो आप टोकने लगे, मुझसे सवाल जवाब, इतना सवाल जवाब उनसे भी कर लेते ना बीजेपी के प्रवक्ता से, तो खेत की दुश्मनी है, मुझसे ही सवाल जवाब होगा, माने सारा सवाल विपक्ष से होगा, सत्ता पक्ष से कोई सवाल नहीं होगा। ये है हमारे सवाल क्या था की बात कि सवाल विपक्ष, अनुराग भदौरिया क्या सवाल था मेरा, पहला शलभमणि त्रिपाठी से पहला सवाल क्या था याद है आपको, क्या था पहला सवाल? नहीं आप बताइए क्या जवाब दिया था उन्होंने, क्या जवाब दिया? नहीं आप सवाल पे सवाल खड़ा कर रहे बोल के चले। अनुराग भदौरिया प्लीज मत कीजिए ये सब खेल जो करते हैं ना तमाशेबाजी की, ये कोई सर्कस में नहीं बैठे, नहीं मैं कोई खेल नहीं, मैंने पहला सवाल उन्हीं से पूछा था, आवाज नीचे कीजिए इनके, मैंने उनसे पहला सवाल पूछा था और उन्होंने उस पर जवाब दिया। अब मैं आपसे भी सवाल कर रही हूँ और सिर्फ इतनी विनती कर रही हूँ कि जयश्री जी आपको सुन रही है, 2 मिनट उनसे बात कर लीजिए, फिर वो चली जाएंगी, फिर आप लोग अपना एक दूसरे के साथ फुटबॉल खेलते रहिएगा यहाँ पर 1 घंटे तक। मैं कह बहुत ज्यादा नहीं मांग रही, कहते रहो मैं बोली वही बात आपसे, जयश्री जी को आपसे कर रहा हूँ। उन्होंने बोला हाँ, उन्होंने बोला 35 साल से यहाँ पे हमारे साथ अन्याय हो रहा है, यही तो शब्द थे अगर मैंने गलत नहीं सुना तो। तो मैं पूछना चाहता हूँ 35 साल में कल्याण सिंह जी की भी सरकार यहाँ 2 बार रही है, राजनाथ सिंह जी भी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, मायावती जी के साथ भी इनकी सरकार रही है, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि वो फिर ये सरकारें क्या कर रही थी, इन सरकारों ने 35 साल में क्यों नहीं न्याय दिया, और 6 साल से सरकार भारतीय जनता पार्टी की है तो कितने साल हो गए आप अंदाज लगा लीजिए, उस सरकारों में न्याय क्यों नहीं मिल पाया इनको, मिलना चाहिए था न्याय, लेकिन और न्याय तो न्यायपालिका देती है भाई, ऐसा न्याय तो है नहीं, न्याय तो संविधान, जैसा सलमनि जी कह रहे थे, तो मैं कह रहा था जब हम किसी बात पे सवाल उठाते हैं तो हम ये बोलते हैं कि देश संविधान और न्यायपालिका चलेगा, हम इसकी बात करते हैं, और आप क्या बात करते हो, आप 1-2-3 माफिया गिनाने के बाद आपका गला चोक हो जाता है। मैं कहता हूं आप बनारस से लेकर गाजीपुर तक जितने माफिया सब पे कार्रवाई कर दीजिए, हम तो आपके साथ खड़े हैं, हमारी जैसी बहन जो सामने बैठी हैं इनके साथ न्याय होना चाहिए, क्योंकि जब तक माफिया समाज के अंदर में नहीं खत्म करोगे, देखिए आपको माफियाओं की फैक्ट्री बंद करनी पड़ेगी, एक आध माफिया का इधर उधर करने से काम नहीं चलेगा, ये जो फैक्ट्री माफियाओं की बन रही है लगातार, वो ये फैक्ट्री क्यों बन रही पता आपको, क्योंकि आप रोजगार पे बात नहीं करते, आप महंगाई पे बात नहीं करते, युवाओं को पैर पे कैसे खड़े करें इसके बारे में आप चर्चा नहीं करना चाहते, जब तक इन सब चीजों पे चर्चा नहीं करोगे युवा तब बताइए कैसे यहाँ पे समाज विकास के रास्ते पे जाएगा। अनुराग जी तो आप फैक्ट्री बिठाने वाले कह रहे हैं फैक्ट्री बंद होनी चाहिए, अच्छा है